आपने रिस्ट पे और लेग्स पे लगा दी, तो क्या कोई भी लिंब लिंब के डिफरेंट कलर्स है, क्या आप कोई भी लिंब कहीं लगाते हैं? नहीं सर, बल्कि इनका एक खास सीक्वेंस है, क्योंकि आपकी जो मशीन होती है वो आपको, मैंने आपको कहा ना फ्रंट को भैया कर लिया बिटवीन टू पॉइंट, तो उसमें हर का वो सॉफ्टवेयर उसका होता है कि ये लिंब वहां पे लगी है, तो बेसिकली हर लीड जो है ये डिफरेंट लिंब के लिए स्पेसिफिक है। ये जो कलर, इसे कहते हैं कलर कोडिंग, ये इंटरनेशनली कलर कोडिंग है कि पूरी दुनिया के अगर आप कहीं भी चले जाओ ईसीजी मशीन पे जो लिंब लीड होंगी वो इन्हीं चार कलर्स की होंगी। ठीक है, कौन कौन से कलर है ये? रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। शुक्र है आप लोग चार कलर ही बताए। ठीक है, अब ये किस लिंब पे लगा? देखो इसका याद रखने का तरीका ये है कि हम पेशेंट को किस साइड से अप्रोच करते हैं, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से? पेशेंट के बेड पे हम जाए अंदर से चेक करने के लिए, तो राइट साइड से अप्रोच करते हैं कि लेफ्ट साइड से? राइट साइड। पेशेंट की कौन सी होती है, मतलब ये अगर पेशेंट का हेड एंड है तो ये राइट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं। किस साइड से अप्रोच कर रहा हूं? राइट साइड से। अच्छा, अब राइट साइड पे अगर आप पेशेंट के हेड एंड पे खड़े हो तो सबसे पास आपके कौन सा लिंब है? उसका राइट आर्म। क्या है? राइट आर्म। सो दिस इज योर लिंब नंबर 1, उसके बाद लेफ्ट आर्म है, दिस इज योर लिंब नंबर 2, उसके बाद उसकी लेफ्ट लेग है, दिस इज योर लिंब नंबर 3, और उसके बाद उसकी राइट लेग है, दिस इज लिंब नंबर 4। ठीक है, सो ये बेसिकली आप ये बता है, सो दिस इज 1, 2, 3 और 4। इस सीक्वेंस में आपने लीड्स लगानी है। ठीक है, अब वो सीक्वेंस क्या होता है, जहां पे आपने लगानी है रेड, राइट आर्म पे क्या लगानी है? रेड। यहां पे आपने लगानी है येलो, यहां पे आपने लगानी है ग्रीन, और यहां पे आपने लगानी है ब्लैक। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, इसको हम लोगों ने इस तरह याद रखा हुआ है, रीड योर गुड बुक्स, रीड योर गुड बुक्स। ठीक है, तो ये आपको कलर कोडिंग याद रखिए, रीड योर गुड बुक्स। आर फॉर रेड, वाई कितनी है? 6। अब जैसे आप कैसे लगा चुके, सबसे पहली जो लीड लगती है वो लगती है लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, बाकी सारी लीड्स लगती हैं लेफ्ट साइड। पहली लीड कहाँ लगती है? राइट साइड पे, बाकी सारी लगती है। जो पहली लीड है वो आपने लगानी है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, स्टर्नम के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी। सेकंड लगानी है स्टर्नम के अंदर फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, उसके बाद आपने लगानी है 1 लगानी है, 2 लगानी है, उसके बाद आपने अगली लीड लगानी है 4। कौन सी लगानी? 4। 3 को स्किप कर देना। 4 कहां पे लगाते हैं आपको पता है? हमारे अंदर एक बोन होती है क्लेविकल, नाम है सर, क्लेविकल के दरमियान में से एक लाइन ऐसे अगर आप ड्रॉ करो, मिड क्लेविकल लाइन, मिड क्लेविकल लाइन, तो फोर्थ लीड आप लगाते हो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, इंटरकॉस्टल स्पेस का तो पता है ना दोनों सर, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन का, यहां पे आपने क्या लगाई? 4। थर्ड फिर आप क्या लगाते हो? 2 और 4 के दरमियान, समझ आई है? पहले आपने 1 लगानी है, फिर 2 लगानी है, फिर 4 लगानी है, और फिर 3 लगानी है, समझ आ गई है? उसके बाद फिर आपने 5 को स्किप कर देना है और 6 लगानी है। 6 का लगानी है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एक चीज होती है जिसे एक्सिला कहते हैं, तो एक्सिला जो है ना वो एक ऐसे कैविटी फोसा होता है, उसके सेंटर से अगर आप एक लाइन नीचे ड्रॉ करो ना, मिड एक्सिला लाइन, उसको कहते हैं मिड एक्सिला लाइन। तो ये जो 6 आपने लीड लगानी है, ये आपने फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड एक्सिला लाइन पे लगानी है। ठीक है, और फिफ्थ फिर आपने फोर्थ और सिक्स के दरमियान लगानी है। तो बेसिकली आपने टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, पहले 1 लगानी है, फिर 2 लगानी है, फिर 4, और फिर 6। ठीक है, और फिर 2 और 4 के दरमियान 3 लगा देनी है, 4 और 6 के दरमियान 5 लगा देनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर योगी आपका है, और मैं आपकी ईसीजी परफॉर्म करनी है, ईसीजी के लिए मुझे आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, और उस पर कुछ लीड्स लगानी पड़ेंगी, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको कोई पेन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी टाइम पर मुझे रोकना चाहो तो रोक सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट की बात फिर कर लेनी है, और उसके बाद उसको एक्सपोज कर। ठीक है, आइडियली सेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर
उसके अंदर क्या कहते हैं समटाइम्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता शर्ट उतारना, तो इसलिए फिर आप मिनिमम एक्सपोजर है वो आपकी क्लैविकल से लेकर जो है ना बेली बटन जो होता है ना यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पहले हम लगाते हैं लिम लीड, जेल है हमारे पास, जेल की जरूरत वैसे बस बता दूं बच्चों जेल की नॉर्मली ना हम यूएमसी में होगा इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, क्योंकि इनकी कंडक्शन बेसिकली करंट को मेजर करते हैं ना, तो करंट की कंडक्शन के लिए हम दरमियान में जेल लगाते हैं, वो कंडक्टर जेल होती है, ठीक है ना। आपको पता है ना गीले हाथों में करंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज कंडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो नॉर्मली हम जेल लगाते हैं, जहाँ पे भी हमने लीड लगानी वहाँ पे जेल लगाते हैं। लेकिन अब आज नहीं है तो हमसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसके बगैर, ठीक है। तो अब मैंने नहीं बताना, आप लोगों ने मुझे बताना है इस स्लिप पे कौन सी लीड लगेगी। अच्छा ये आपका वो पोर्शन है जहाँ से उसने करंट को डिटेक्ट किया, ठीक है ना। तो ये आपकी रिस्ट के साथ होना चाहिए, ये आपकी रेड है तो ये आप इसे ऐसे लगा, रेड लग गई yes, इस पे कौन सा लगेगा येलो। ग्रीन इसके बाद कौन सा लगेगा ग्रीन। अच्छा पहले दोनों अपर लिम्स पे लगा दिए, ये आपने एंकल्स के ऊपर मीडियल मिलियोलस ओसिफेरस के ऊपर लगाना है। और आखिर में कौन सा लगेगा ब्लैक, ठीक है। हां लीड थ्री, उसके बाद है ए बी आर ए बी एल ए बी एफ, उसके बाद है वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव और वी सिक्स, ठीक है। ये 12 लीड्स होते हैं, अब इनके अंदर आप सब में देख लो क्या किसमें क्या इशू है क्या नहीं है।